फ्रेंड पहुंच चुके हैं पंजाबी जायका पे करने के लिए डिनर। फ्रेंड जब आ चुका है यहाँ पे हम हमारा डिनर, तो ये यहाँ पे नान आई है, यहाँ पे आई है नान, पनीर, दाल मखनी बोरी, और ये रही दाल मखनी, पनीर और बोरी चाप और नान और कोल्ड ड्रिंक थी वो खत्म। गार्लिक नान कहाँ पे नान। फ्रेंड फाइनली खा लिया, पी लिया, घूम लिया, बातें सब कर ली, तो चलिए चलते हैं सीधा घर। फ्रेंड पहुंचे अब आके घर पे, अब यहाँ से निकालते हैं, चलो निकालो सामान। आ रही है दीदी, अभी पता नहीं आई नहीं आई, निकालो सामान, सब एक एक सामान उठा लो। मैंने ये उठा लिया, ये टोकरी पापड़ मैंने पकड़ी, पड़ा ले लो टोकरी। फ्रेंड फाइनली हम पहुँच तो चुके हैं बुआ की गली में, यहाँ पे आधा सामान दीदी आ गई थी स्कूटी पे लेने और आधा सामान ये रहा। चलो खुला हुआ था। बुआ नमस्ते, यही तो कह रही हूँ, अलमारी में निकल गए दीमक कीड़े निकले। वो तो पापा ने देख ली तो थैला से डीजी चला जाता और एकदम से तुम्हारी गाड़ी में बहनों ने दिया चुहा के समोसे खाओगे चाय के साथ। ना भैया मैं खाओ नहीं गए। नमस्ते फूफा जी, खाओ उधर खाओ। ना भैया बाहर का क्या हुआ, बर्गर पिज्जा चाउमीन। आजकल नंदिनी गुप्ता के स्टेटस बहुत लगता है, कॉलेज गए घूम रहे हैं, जी रहे हैं बच्चे। यो एंजॉय। मैं सही में नैनी की फोटो लेके बैठ गई, नैनी जी लिए दीक्षा जी लिए। अरे सही है, दार्जिलिंग या कश्मीर दोनों में से एक जगह। नहीं दार्जिलिंग नहीं जाएगी, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी जाएगी, राजधानी जाती है। हाँ वहाँ तो चार घंटे रास्ता है, चाहे गैंगटॉक चले जाओ, ढाई घंटे, चाहे गैंगटॉक चले जाओ, चाहे वहाँ चले जाओ, प्राइवेट गाड़ी करो ढाई घंटे में पहुंचा दे, चाहे गैंगटॉक चले जाओ, चाहे तुम जलो ही जलो। चाय अच्छी भी नहीं होगी तो दोबारा थोड़ी बनाएगी। नहीं ऐसा मुझे बता दो उसमें क्या होगा, मारो घर वाली बात में तो वैसे ही पूछ। जैसे हम सबकी सबने खाए हैं मोमोज, अब चलते हैं करने के लिए डिनर पंजाबी जायका पे। चलो चलो दरवाजा बंद करो, बाहर का हमारा बंद है। अच्छा अब बंद है, बंद हेलो ना मामी का ना, वो उठा रहा हूं सामान देखा, मामी आगे कर देंगे, और तो कोई सामान नहीं है ना, इसी में आगे मेरा फोन रह गया बस। फ्रेंड पहुंच चुके हैं पंजाबी जायका पे करने के लिए डिनर। फ्रेंड आप सबसे पहले आ गई है हमारी स्टार्टर्स में चारी चाप, उसके बाद ये कुकर। आई विल नॉट हैव माय अचारी चाप बिकॉज माय थ्रोट इज नॉट वेल, सो आई बी जस्ट हैविंग दाल मखनी विद माय रुमाली रोटी। ये मेरी है, अबे ड्रिप चलेगी ये आपको। फ्रेंड जब आ चुका है यहाँ पे हम हमारा डिनर, तो ये यहाँ पे नान आई है, यहाँ पे आई है नान, पनीर, दाल मखनी बोरी, और ये रही दाल मखनी, पनीर और बोरी चाप और नान और कोल्ड ड्रिंक थी वो खत्म। गार्लिक नान कहाँ पे नान।
फ्रेंड्स जब हम आए थे पूरी बेकर्स पे खाने के लिए यहाँ पे डेजर्ट, यहाँ पे हमने खा भी लिया। डेजर्ट बाहर काफी अच्छा लगता है। एक हमने लिए एक्लेयर्स और एक ली चॉकलेट ब्राउनी। दो दो महीने पहले राखी ममता ये सने सब बड़े सूबे ले लेके आता हूँ, सूबे लेकर और बिल्कुल आ रहे चॉकलेट के पैकेट, टॉफी के पैकेट और बना रही है राखी घर में बना दो राखी दे बैठ के बना रहे। इतनी मोटी मोटी माला पहनते राखी बनाती थी राखी दे। वाह इंतजार हुआ होली जलने का फटाफट थोड़ी कब आ गया कहना बिस्कुट आते थे गोल वो बोल के बिस्कुट आते थे जीरे वाले नहीं नहीं नीचे होते थे हल्के नीचे जी से तेज आता ना हल्का अलग है। राखी ममता घर में बनाती थी बड़े बड़े सूबे लेके हर साल एक पैकेट कितनी बार का लिया है एक पैकेट उसका टॉफी का चॉकलेट का और घर दिए बीच में पड़ी थी चौकट टांग दी अब बहुत सब अपने अपने में रहने लगे। वही देखते रहते थे इसको ही कब जले कब तोड़े कब जले कब तोड़े दिमाग पाला में रहता था होली में नहीं जलते ही तोड़ी पूरी कब आ गया ऐसी दिवाली पे दिवाली पूजन कब खत्म हो पटाखे फोड़ने पटाखे दिवाली पूजन कब खत्म हो पटाखे फोड़ने पहले शुरू कर देते हैं। हमारी मम्मी दो दो दिन पूजा खत्म नहीं हो रही है भाई दो दो घंटे पूजा चल रही है हम भाई पटाखे फोड़ने पटाखे फोड़ने हमारे दो दो तीन तीन घंटे हुए जो पूरे बजे खा लिया पी लिया घूम लिए बातें सब कर ली तो चलिए चलते हैं सीधा घर। सो फ्रेंड्स तो टाइम हो चुका है सीधा रात के 11:30 हो चुके हैं फाइनली अब हम बुआ के घर पे आ चुके हैं। मैं एडिट भी कर लिए है तो ये वीडियो बनाई है टोटल 3 पार्ट्स में। अभी जस्ट मैंने एक पार्ट एडिट करा जब मैंने अंदाजा लगाया तो टोटल 3 पार्ट्स में बनी जाएगी। तो वैसे 3 पार्ट्स में बनेगी, मैंने 2 पार्ट एडिट कर दिया है बस ये पार्ट एडिट करना रह गया तो अब ये कल करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैं इस वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ। 3 पार्ट बने, 2 पार्ट तो आपने ऑलरेडी देख लेंगे, ये 3रा पार्ट। अब आज 21 तारीख हो चुकी है तो अब अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 दिन और बीच में 1 दिन ममता वो के जाएंगे। उनका भी दिक्कत नहीं एक्चुअली, उनके यहाँ पे रात को जाते हैं ना हम, तो अगर हम 7-7:30 बजे निकलते तो वहाँ से 10 बजे आते हैं क्योंकि वहाँ 3-3.5 घंटे लगते हैं क्योंकि पास है। बुआ का घर इतना दूर है तो वहाँ पे अराउंड 1.5-2 घंटा तो हमें आने जाने दोनों में लग जाता है। तो बस अब मैं इस पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है तो सब्सक्राइब जरूर प्रेस करना ताकि आप पे मेरे गेम आते रहेंगे। मिलेंगे सुबह जल्दी नई वीडियो के साथ। और अब वीडियो थोड़ी कमी बन पाएगी क्योंकि अब मेरे पेपर आ रहे हैं ना तो वीडियो काफ़ी कमी बन पाएगी। तो अगर स्पेसिफिकली कहीं जाएंगे तो ही बन पाएगी, जैसे बीच में हमारे यहाँ पे मामा भी आएंगे, हम गार्डन वाली बुआ के घर जाएंगे और बीच में कुछ करेंगे तो उसकी बना पाऊंगा, बाकी डेली तो नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, प्लीज़ सपोर्ट जरूर कर देना। ठीक है ना, डेली नहीं बना पाता मैं तो कभी कभी बनाऊंगा तो तब तो ज़रूर डालूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।